हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पर आप ट्रूबैलेंस से कैसे लोन ले सकते हैं और कैसे रीपेमेंट करना है, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए जिसको इमरजेंसी लोन की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है और ट्रू बैलेंस ऐप को डाउनलोड करना है। दोस्तों, मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं इसको ओपन करूँगा ये परमिशन मांगेगा, जो हमें क्लिक करके यहाँ से एक दिन कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से वापस आपको परमिशन देनी होगी, जो भी कॉन्टैक्ट लोकेशन फ़ोन SMS कैमरा इन सभी की होगी। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए देनी होती है दोस्तों क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट को, अगर हम लोन को टाइम पर नहीं रीपेमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, तो ये हमारे कॉन्टैक्ट को कॉल करता है। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको अलाउ पर क्लिक करना है और सभी पर अलाउ कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको अपनी भाषा चुननी है, जो कि मैं इंग्लिश कर रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से चुन लें। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहा है तो मोबाइल नंबर देख देते हैं हम। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हमने मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, अब हमारा पासवर्ड डालना है हमें। तो दोस्तों, जैसे मैंने पासवर्ड डाला, यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुला है यहाँ पर, जिसको हम इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलेट मनी मेरे 0 दिखा रहा है। यहाँ से आप रिचार्ज भी कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, आप कुछ भी लोन ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं, शॉप क्लू से शॉपिंग कर सकते हैं, सभी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। तो हम सबसे पहले आप अपना क्रेडिट स्कोर भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं क्रेडिट स्कोर चेक करके आपको बता देता हूँ, देखते हैं। पहले हम KYC कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर KYC के लिए जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है मैं इसको आपको बताता हूँ। यहाँ पर पैन नंबर मांग रहा है तो मैं पैन नंबर यहाँ पर देख। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर पैन नंबर डालने के बाद आपके वो मतलब मोबाइल नंबर डालने होंगे, उसके बाद यहाँ पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर डालना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम OTP डालेंगे तो दोस्तों OTP से पहले आपको आधार नंबर भी डालना होगा, जो आधार नंबर आपका मोबाइल से लिंक होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, KYC करनी है तो वो आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर OTP भी डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर KYC में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो दोस्तों यहाँ पर हम कैश लोन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। दोस्तों, ये पर्सनल लोन अभी ये नहीं हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ये VR कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है, तो उसके लिए हमको इसको ऐसे रहना होगा और कैश लोन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे पास आता है 1000 से आगे कुछ नहीं बता रहे, इंटरेस्ट फ्रॉम 2.5% और टेनर मिलेगा हमें 1 से 6 मंथ का, जो कि दोस्तों इसमें आपको इसको पे करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो एग्री करना है हमें यहाँ पर। दोस्तों, वापस यहाँ पर आ गया ये, तो दोस्तों यहाँ पर कंफर्म करना होगा और दोस्तों यहाँ पर एग्री पर क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, वहाँ पर मोबाइल नंबर आधार कार्ड नंबर सभी डालते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पर हमको अपना पैन कार्ड स्कैन करना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको पैन कार्ड कैसे रखना है, ये राइट वाला ये है, इस पर हमको रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसका फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, पैन कार्ड का फ़ोटो डालने के बाद हमारे पास ऐसा ईमेल डालने का आता है, तो ईमेल डाल देने के बाद हमारे को ईमेल को वेरीफाई करना होगा। दोस्तों, वेरीफाई करने के लिए हमको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा और ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमको ईमेल वेरीफाई करने के बाद हमको दोस्तों KYC कंप्लीट हो जाएगी। वापस गो टू कैश लोन पर जाना है हमें, जहाँ पर आपको ये सभी दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें एड्रेस फिलअप करना होगा वहाँ पर। अगर आपने पहले इस ऐप को डाउनलोड किया होगा तो ये ऑटोमेटिक एड्रेस को फिलअप कर लेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें हमारे पास ऐसा आएगा, तो आपको कितना कैश चाहिए उसको हमें यहाँ पर बताना होगा। दोस्तों, मैं लगभग यहाँ पर ऐसे ही कर देता हूँ अंदाज से 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिंगल मैरिज के लिए पूछेगा, यहाँ पर आपको जो भी हो आप बता देना है और आपने क्या कर रखा है वो भी आपको यहाँ पर बता देना है। ठीक है दोस्तों, हमारा हाउस आप किराए पर रहते हैं तो हमें रेंटेड पर क्लिक करना होगा, और हमारा सेल्फ का है तो सेल्फ ऑन पर क्लिक करना होगा। वर्क और जॉब पर क्लिक करना होगा, हम क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं, सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जो भी है हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करते हैं वो इस पर लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो भी है इस पर हम क्लिक करते हैं।
किसी पर भी आप क्लिक कर दीजिए, ये सभी ये एक्सपेक्ट कर लेगा शायद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर हमें अपनी सैलरी भी लिखनी होगी जो कि आपके हिसाब से आप लिख दें। ठीक है दोस्तों, वेटिंग फॉर अप्रूवल पर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर मेरा हो गया नहीं यह भी यहाँ पर बता देगा। दोस्तों मेरा शायद चांस कम है, पर आपका अगर हो सकता है, अगर आप कुछ भी जॉब करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अभी यह बता देगा कि क्या हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम वेट करते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर हम मेरा क्रेडिट स्कोर भी ये दिखाने लग गया है जो कि मेरा क्रेडिट स्कोर 805 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा क्रेडिट स्कोर 29 जून का 805 दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये सभी आपको दिखा देता है जो कि मेरा क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर आप थोड़ी सी और फिलअप कर रहे हैं, जो भी आपको सैलरी मिलती है उस पर आप क्लिक करके यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सैलरी होना अनिवार्य है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पर ही चुनें दोस्तों, तो ये आपको सही रहेगा, वरना आपको सैलरी स्लिप को या आपको ट्रांजेक्शन देना होगा 6 मंथ का यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरी लिमिट यहाँ से आज की क्लोज़ हो गई है, क्योंकि मैंने इसको क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि मेरी थोड़ी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैंने फिलअप कर दी थी इसलिए, सॉरी दोस्तों। पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले सैलरी स्लिप को, या सैलरी स्लिप नहीं दोस्तों, तो आपको ये डालने होगा 6 मंथ का ट्रांजेक्शन जो भी आपने बैंक से किया है। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट चुनते हैं तो ये आपके लिए बोले आपको लोन थोड़ा मिलेगा, पर एक अनुभव में मिलेगा। दोस्तों आप स्टूडेंट तो हो तो स्टूडेंट ही चुने, ये आप इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों अगर आप सैलरी हो तो आपको सैलरी चुनना है, अगर आपको बिजनेस करते हो तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयड पर चुनना होगा। ठीक है दोस्तों, जो भी आप चुन लें उसके बाद आपको 100% यहाँ से लोन मिल जाएगा, वो भी आसानी से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगला वीडियो को लेकर आऊँगा जो कि किस ऐप का होगा जिसमें फास्ट अप्रूवल होता है लोन का, सबसे फास्ट दोस्तों। अगर आप जैसे डिटेल फिलअप करेंगे और 2 मिनट में आपके अकाउंट के अंदर ये लोन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ऐसे आप अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं जो कि मैंने आपको करके दिखाया था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।